Hi guys, good evening. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope all my biohankers, you guys are doing awesome. Kesi was a join kalo because today I have an amazing news for all of you. An amazing update for all of you. Yes, for all the biohankers, for all the neat aspirants, the best update till date from Mbide. Yes. jaldi, jaldi D join Then I'll be able to tell you. Kikya special update hai. वैसे उसका ट्रेलर मैंने तुम लोग को ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है चेक किया कि नहीं यस yes. बहुत जल्दी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी मिल जाएगा सारे अपडेट्स मिल जाएंगे चलो जल्दी 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 आ जाओ सब लोग एवरीबडी ज्वाइन फास्ट वैसे आज ब्लेंस मोमेंट ऑफ द डे पे क्या सर्च किया यस yes. By the way, आज मैंने mechanism breathing चेक किया था ब्लेंस पे। बहुत ही प्यारा है, do watch it. Yes, आज जरूर सब लोग करना। एक बार जरूर वो चीज चेक करना ठीक है यस yes. चलिए uh, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं नोट मेकिंग कर रहे हैं देखो टाइटल का नाम भी वही रखा है है ना यस पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड इजी नोट मेकिंग यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे सेशन में आप लोग के लिए ले रही हूँ जिससे आपका नोट मेकिंग ईजी हो जाएगा कुछ ही सेशन लेंगे फिर एग्जाम टाइम पे वापस से लेने लगेंगे अभी तो खैर बैच बन गया है तो आप लोग के लिए ऐसे कुछ कुछ अभी मैंने लाइव सेशन ले रही हूँ मैं ये नोट मेकिंग का वेरी सोन आई विल स्टार्ट विथ रिकॉर्डेड सेशन तो फिर कैसा आपको आपको जब भी टाइम मिले आप तब तो अटेंड कर सकते हो आपको लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ेगी विच मेक योर वर्क इजी और ओके सो दिस इज बेसिकली पॉइंट्स टू रिमेंबर कुछ ऐसे नोट्स बनाने में आपको हेल्प हो जाएंगे तो आप अपना बुक लेके बैठ सकते हो जिससे आपको जो है नोट्स बनाने में थोड़ी सी सहायता हो जाएगी ठीक है Yes. बाकी एंड ऑल जो अपडेट हुआ है अशोका बैच लॉन्च हो रहा है हमारा नेक्स्ट वीक से यस स्टूडेंट्स अशोका बैच लॉन्च हो रहा है वो आप एम बाई बैप पर अटेंड कर सकते हो प्लस यूट्यूब पे दोनों पे क्लासेस होंगी जैसे मेरा जो क्लास है जूलॉजी का वो आपको मिलेगा मंडे वेनजे फ्राइडे को ये तीनों दिन होगा वन शॉर्ट यस, डिटेल्ड वन शॉट लेंगे हर एक चैप्टर का और फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को उन्ही वन शॉट्स का हम पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे यस सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड सेशन सो मेक श्योर एवरीबडी इज ज्वाइनिंग ओके चलिए सो वैसे हमने हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं तो वी नो दैट एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज करते ही हमारा जो सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है, है कि नहीं चाहे आप फिजिकल कुछ एक्टिविटी करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल ऐसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बहुत तकलीफ हो रही है मैम टेंशन हो रहा है एग्जाम आ रहा है ऐसा कुछ स्ट्रेस होता है तो भी हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है यस या फिर हमने सामने शाहरुख खान को देख लिया ओ माई गाज तभी भी हो जाएगा है कि नहीं यस तो ऐसे इमोशनल मेंटल स्पिरिचुअल स्टेटस में क्या हो जाता है कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है है ना यस नॉट जस्ट दैट इट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग रिलैक्सेशन दिस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन रेट राइट सो व्हाई ज्यादा ले रहे हैं क्यू इससे क्या होता है वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट येस बिकॉज हमारे बॉडी में हमें पता है कि हम एरोस्पिरेशन करते हैं बराबर और ये ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी में जाके पहुंचता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है बराबर यस वी ऑल नो दैट तो हमने ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, ये दोनों वर्ड जो है हम इंटरचेंज भी कभी कभी यूज कर लेते हैं बट इट अ वेरी ह्यूज डिफरेंस यस yes, हमें मतलब ब्रीदिंग क्या है ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें से सांस आ रही है सांस जा रही है अगर एज रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन <coughs> एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पर ऑक्सीजन को यूज करते हुए यस ऑक्सीजन को यूज करते हुए एनर्जी जनरेट की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी किससे कार्बोहाइड्रेट से अब कभी-कभी क्या हो जाता है कभी-कभी जो है हमारा ऑक्सीजन यूज नहीं होता तो अगर आप ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं तो वो कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और जब आप ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कहलाता है एन यस बराबर ये दो टाइप के आपके रेस्पिरेशन होता है यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन विच आई विल शेयर इट विथ यू ऑन पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर तो इसका टेंशन मत लेना आ, बाकी आई बी फोकसिंग ऑन की कौन से एनिमल्स जो अलग अलग एनिमल्स हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं हम जो है ब्लैक बोर्ड ले, ले लेते हैं ठीक है ब्लैक बोर्ड ले लेता है तो आज हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं आज हम जो है नोट मेकिंग करेंगे यस yes, आपको नोट्स बनाने में मैं हेल्प करूंगी यहाँ पर वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कौन से कौन से एनिमल्स होते हैं ठीक है और उनमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं यानी वो पर्टिकुलर एनिमल जो है कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करता है रेस्पिरेशन करने के लिए गैस एक्सचेंज करने के लिए ठीक है ये अब ये जो है ये जो नोट मेकिंग है ये आपका एनिमल किंगडम प्लस ब्रीदिंग ये दोनों चैप्टर से मिलकर आपको ये नोट्स बनाना है ठीक है क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे पूछे जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है कि एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है तो हम इसको इजी आउट कर देंगे आज के सेशन के बाद आपके पास ये नोट तैयार हो जाएगा ये टेबल तैयार हो जाएगा जिससे आपको फिर बाद में वापस से इस टॉपिक पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी ठीक है रेडी है सब लोग एवरीबडी यस चलिए तो शुरू करते हैं तो पहला ले लेते हैं हम लोग प्रोटेस्टा बैक्टीरिया ठीक है आप लोग भी साथ साथ में जिन जिन को पता है ऑलरेडी बताते जाइएगा यस इट विल हेल्प अस टू मूव फास्टर यस पहला ले, ले लेते हैं प्रोटेस्टा यस yes, प्रोटेस्ट जो होते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं ये ले लेते ले हैं ये दोनों ले लेते ले हैं ठीक है प्रोटेस्ट और बैक्टीरिया में कैसा रेस्पिरेशन होता है यहां पर डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें कोई भी हमारे पास ऑर्गन नहीं है नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बट देर इज अ डायरेक्ट रेस्पिरेशन कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है बट डायरेक्ट रेस्पिरेशन है किसके थ्रू इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ठीक है इनके प्लाज्मा के थ्रू बराबर कोई डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास नहीं है बहुत सिंपल दूसरा अब हम लोग किंगडम चालू करते हैं हमारे फाइलम्स चालू करते हैं पहला ले लेते हैं सबसे सिंपल स्पॉन्जेस वाला पॉरीफेरा यस पॉरीफेरा तो पॉरीफेरा में कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बच्चा ये कमऑन एनिवर इसमें भी कोई हमारे पास स्पेशल ऑर्गन नहीं है ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, जनरल बॉडी सरफेस जो कहते हैं आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर भी, ठीक है, इनके पास भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है ठीक है तीसरा सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेट जो होते हैं यस, yes, सिलेंट्रेट्स सिलेंट्रेट्स में कैसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जनरल बॉडी सरफेस जनरल बॉडी सरफेस फोर्थ नोट्स बना रहे हो ना सब लोग साथ साथ में गैस प्लेटी हेलमेंथिस अब ये वो कंफ्यूज मत हो ना निरिया वो सब वो भी जनरल बॉडी सरफेस ही है जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताते जा रही हूँ हाँ प्लेटी हेलमेंथिस में देख लेते हैं जिसमें टेप फॉर्म आ जाता है आपका ये कैसे करते हैं ये आपका एनेरबिक रेस्पिरेशन करते हैं कैसे करते हैं

पोडिया के हेल्प से ठीक है नेयरिस कर रहा है पैरापोडिया के हेल्प से फिर इंसेक्ट्स आपके जो इंसेक्ट्स हैं आर्थ्रोपोडास जो हैं इंसेक्ट्स यानी आपके आर्थ्रोपोडास ये आर्थ्रोपोड्स कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं एनीवन यस इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये आपके ट्रacheal ट्यूब के थ्रू कर रहे हैं बराबर ट्रकिया के थ्रू राइट देन सेक्ट्स yes. हो गए फिर और कौन है सेंटिपीड्स बताओ सेंटीपीड्स कैसे करते हैं सेंटीपीड्स, यस एवरीवन, सेंटीपीड्स भी ट्रकिया के हेल्प से ही कर रहे हैं ठीक है एक और एक है मेलिपिड्स यहीं पे लिख दो क्या एसेंटिपिड्स एंड मेलिपिड्स ये दोनों ही कैसे करते हैं आपके मेलिपिड्स मेलिपिड्स ये दोनों ही ट्रैकियल ट्यूब के हेल्प से ही करते हैं सेंटिपिड्स मेलिपिड्स दोनों ठीक है फिर आपके स्पाइडर्स जो होते हैं रिकनाइट्स आपके जो स्पाइडर्स स्कॉर्पियंस ये सब जो होते हैं ये कैसे करते हैं यस नॉट जस्ट इवन आपके जो टिक्स होते हैं टिक्स आपके जो माइट्स होते हैं माइट्स yes, ये सब जो होते हैं पैरासाइट्स ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं ये करते हैं बुक लंग्स ये करते हैं बुक लंग्स के हेल्प से ठीक है इनके पास स्पेशल है बुक लंग्स ओके फिर और भी है हमारे पास जगह नहीं है वैसे तो हम लोग ये इरेज कर देंगे बट आई होप इतना क्लियर है सबको नोट्स बना रहे हो ना सब लोग ये आप लोग टेबल बना ही लेना ठीक है फेल इसका टेबल बन जाना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे कभी भी कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रेडी विद द टेबल तो हमने फर्स्ट टेन तो यहाँ पे कर लिए कहाँ तक स्पाइडर तक ठीक है नेक्स्ट टेन करता है ये देखो ये पीडीएफ में नहीं होगा मैं पहले बता रही हूँ ये वाला जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोग को लिख के दे रही हूँ ये पीडीएफ में स्टोर नहीं होगा ये देखो मैंने इरेज भी कर दिया तो इसका आपको लाइव बैठ के टेबल बनाना पड़ेगा साइड साथ ही साथ में ठीक है यस चलो हमने कौन सा किया था स्पाइडर सब वो सब कर लिया मरी अच्छा ये जो मरीन एनिमल जो फिशेज होते हैं किंग क्रैब जो होता है वो कैसे करता है Yes, scraps कैसे करते हैं रेस्पिरेशन इनके पास बुक लंग्स नहीं होते बुक गिल्स होते हैं। इनके पास क्या होता है बुक गिल्स होता है सबका टेबल बना लो येस yes, आज टेबल बन के रेडी हो जाना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद प्रॉन्स कैसे करता है आपके जो फिशेज हैं गैस प्रॉन्स यूनियो पिला ये कैसे करता है इनके पास गिल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं गिल्स होते हैं फिर इकाइनो जो स्टारफिश है इकाइनोडरमेटा कैसे करता है बेटा यस इनके पास ब्रंकिया होता है क्या होता है ब्रंकिया स्किन पे ही इनका जो स्किन देखोगे डर्मल ब्रांकिया डर्मल ब्रांकिया या फिर ट्यूब फीट ठीक है नोट्स बना लो इनके पास पूरा रेस्पिरेटरी ट्री जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं या फिर आल्सो वी कॉल इट एज बर्से वी कॉल इट एज बर्से दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आउट ऑफ एनसीईआरटी इट विल हेल्प यू टू हैव अ वेरी लाइक रिस्क फ्री नीट प्रिपरेशन ठीक है यस yes. फिशेस कैसे करते हैं फिशेस फिशेस और आपके टेडपॉल्स यानी आपका जो ये <coughs> yeah. फ्रॉक का जो मछली जैसा बन जाता है लार्वा लारवा यस वो कैसे करता है गिल्स के थ्रू थ्रूसली इनके पास गिल्स होते हैं ठीक है फिर फ्रॉक्स कैसे करता है अगर वैसे करते हैं तो फ्रॉक्स एंड टोर्स जो होते हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं यस इनके पास होता है लंग्स इनके पास होता है लंग्स और ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं किसके थ्रू स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं ठीक है यस फिर आते हैं रेप्टाइल्स और हमारे मैमल्स रेप्टाइल्स मैमल्स ये सब कैसे करते हैं इनके पास लंग्स है हमारे पास क्या है लंग्स हैं बराबर फिर बर्ड्स कैसे करते हैं बर्ड्स के पास क्या है बर्ड्स के पास लंग्स है लेकिन इनके पास क्या और क्या है एयर सैक्स इनके पास एयर सैक्स है ठीक है देन व्हाट अबाउट अदर्स लंग फिश सुना है लंग फिश एक बार पूछा गया था बहुत पुराने पीवाई में ये पूछा लंग फिश के बारे में लंग फिश के पास जो है एयर ब्लैडर होता है क्या होता है एयर ब्लैडर जिससे ये रेस्पिरेशन करता है मतलब ये प्रॉपर लंग्स नहीं होता बट एयर ब्लैडर होता है जिसमें एयर का एक्सचेंज होता रहता है कंटिन्यूसली ठीक है फिर आ, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं एटलीस्ट हम um, लोग ट्वेंटी तो खत्म कर देते हैं यस yes? अच्छा यूरोकॉर यूरो नहीं यूरो का तो के थ्रू होता है ठीक है मरीन टर्टल बताओ मरीन टर्टल यस yes? मरीन टर्टल जो है वो कैसे करता है क्लोआकल इनके पास भी क्लोआका होता है ठीक है क्लोआकल रेस्पिरेशन करता है ये क्या करता है रेस्पिरेशन एंड लास्टली आपका मोलस्का लास्टली आपका मोलस्का यूनियो जो है वो कैसे करता है वो आपका मेंटल इनके पास जो मेंटल होता है उसके थ्रू करता है ठीक है यस yes, तो ये हमारे 20 ऑर्गेनिजम्स हो गए और इन्हीं 20 ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हमने सबका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी डिस्कस कर लिया ठीक है क्लियर एवरी वन सो प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ इट और बाकी का हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं एक एक करके सबका देखेंगे इमेज के थ्रू जैसे यहाँ पे अमीबा है यस तो ये बॉडी के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करता है ठीक है बहुत सिंपल सा इनमें बॉडी रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है पोरिफर हो गए हो गए अमीबा हो गया सब डिफ्यूजन के थ्रू कर रहे हैं ठीक है ये फिर आपके जो इंसेक्ट्स हैं ट्रकियल ट्यूब के थ्रू कर रहे हैं देखो ध्यान से देखना अभी अभी मैं दिखा रही पूरा। सिर्फ लिख के दिया था देखो, ये दिख रहे हैं आप ये आप पूरा क्या है? है, हैं। ठीक है? के इन लोग जो क्या करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू जो है इन लोग एक्सचेंज करते हैं गैस एक्सचेंज करते हैं ठीक है Can you see it? देखो, से देखना ये सब देखो पॉइंट्स दिख रहे सेगमेंट दिख रहे Yes, अब यही सेगमेंट्स में इनका क्या प्रेजेंट होता है से की ओपनिंग प्रेजेंट होती है ठीक है ओपन टू द एक्सटर्नल एनवाइ थ्रू स्पाइर किसके थ्रू ओपन हो रहा है फाउंड ऑन द साइड ऑफ द दर्गेनिजम्स बॉडी साइड में प्रेजेंट है बीच में नहीं प्रेजेंट है इनके दोनों साइड में प्रेजेंट है क्लियर यस चलो अमेजिंग नाउ वंस यू आर डन विद ट्रकियल रेस्पिरेशन फिर आते हैं हम इस पे। रेस्पिरेशन करता है ये कौन है ये अर्थबम है ये गैशेस एक्सचेंज कर रहा है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू यानी कि स्किन के थ्रू करता है ये ठीक है देखो क्या इनके स्किन पर जो है इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये यहीं पे गैस एक्सचेंज होता रहता है ठीक है फिर फिशेस कैसे करती है तो फिशेस बेटा गिल्स होते हैं इनके पास क्या होता है गिल्स होते हैं ठीक है गिल्स के थ्रू ये हेल्प होता है इनका

एल्वियोलाय वाला लंग्स होता है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन जहां पर लंग्स प्रेजेंट होता है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स सब में यस एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि स्नेल इनके पास क्या है लंग्स प्रेजेंट है इज दिस क्लियर यस चलो आपके ह्यूमंस में कैसे एक्सचेंज होता है वो भी वीडियो देख लो अच्छे से सरफेस एरिया जो है उनका इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ एल्वियोलाय बराबर अब ये जो एयर सैक है जो एल्वियोलाई है यहीं पे गैस एक्सचेंज कंटिन्यूअसली होता रहता है विद द गैस एक्सचेंज विच इज हैपनिंग अलोंग विद द ब्लड यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाय में आता है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है क्लियर तो ये हो गया आपका पूरा अलग अलग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन सा रेस्पिरेशन, आपको यहां पे बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है पी डी एफ विच यू फाइंड ऑन बायोहैकर्स का टेलीग्राम चैनल ठीक है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सर्च फॉर इट एंड ज्वाइन इट इट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कैसे होता है थ्रू द स्किन ये गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन और आउटर इंटेग्यूमेंट फिर ब्रंकियल रेस्पिरेशन किससे होता है गिल्स yes. के थ्रू होता है ट्रकियल रेस्पिरेशन स्पाइरेकल से ट्रकियल ट्यूब निकलते हैं ठीक है पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के हेल्प से होता है ओके okay, तो ब्रंकियल रेस्पिरेशन कहा आपके इंसेक्सोनोइ्स इंसेक्ट्स फिर आपका माइरापोर्ड ये सब में ट्रोक्यल रेस्पिरेशन होता है एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन रेप्टाइल्स बर्ड्स यानी एम्फीबियंस मैमल्स ये सब में पल्मोनरी रेस्पिरेशन मिलती है ठीक है yes? चलो अमेजिंग uh, कुछ क्वेश्चन हैं क्वेश्चन तो आप लोग पीडीएफ में एफ जो है वो सॉल्व कर लेना ठीक है चलो अमेजिंग ओके सो पीडीएफ अगेन जैसे भी मैंने बोला टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ऑल्सो अगर इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल जहां पर डाउट रेजोल्यूशन व्हाट्सएप चैनल है यहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं ये yes, आपको कोई भी डाउट हो कभी भी डाउट हो आप यहाँ पर जो है डाउट पूछ सकते हो जो आपको जो है एम आपको हेल्प कर देगा डाउट सॉल्व करने के लिए ठीक है बाकी यू वेरी वेल यू गाइज आर अवेयर दैट एम इज प्रोवाइडिंग यू एन ऑल राउंड रिसोर्सेस yes, ताकि आप जो है अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सके चाहे वो एमबाइब लाइव क्लासेस हो डाउट सॉल्विंग हो आपका एमबाइब लर्निंग हो प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आपको नंबर ऑफ वीडियोस हैं 2000 प्लस बुक्स हैं आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है आपके पास एमबाइब लेंस आपको प्रोवाइड किया गया है जिससे आप कभी भी कैसे भी पढ़ सकते हैं स्कैन करके यस यू ऑल्सो है आप एम बाइब लेंस आपसे थ्री डी देख के पढ़ सकते हो यू कैन क्रिएट

ठीक है बाकी अगले हफ्ते के सारे क्लासेस ये हमारा लास्ट क्लास था इस हफ्ते का बट नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ट वी विल ऑल्सो बी मीटिंग ऑन सैटरडेज तो सारे क्लासेस लग चुके हैं यहां पर आप होम स्क्रीन पर एम्बाइब लाइव क्लासेस में जाके यस जाके जरूर चेक करना येस एंड स्टडी वेल ओके क्लियर एवरी वन यस

ठीक है अर्थवॉर्म लीचेज ये सारे जो हैं स्किन के थ्रू करते हैं ठीक है ओके चलो वैसे पीडीएफ uh, डी में शेयर कर दूंगी बट मैंने जो लिस्ट बना के दी आपको 20 ऑर्गेनिजम्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्लीज मेक अ लिस्ट लाइक दैट और अटैच कर दो अपने एनसीआर में ताकि नीट के टाइम पे आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो ठीक है यस yes, बाकी टाइमिंग सबको पता चल गई है नीट की टाइमिंग अगले हफ्ते से मंडे वेनजडे एंड फ्राइडे को पांच बजे मिलेंगे हम लोग वन शॉट करने के लिए यस yes, और फिर ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को चार बजे मिलेंगे हम लोग पी क्यूज करने के लिए उन्हीं चैप्टर्स का जिन चैप्टर का वन शॉट होगा उन्हीं चैप्टर्स का पीवाई क्यूज होगा तो जो वन शॉट्स होंगे वो यूट्यूब पर होंगे और जो पीवाई क्यूज होंगे हमारे वो होंगे ऐप पर तो मेक श्योर दैट यू गाइज आर जॉइनिंग ऑन टाइम ओके Till then, tadas, bye bye. एवरीवन एंड कीप and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.